मशीन में कपड़े लगा दिए, पी लेते हैं फटाफट से चाय। जब हम सो रहे थे तो वैदिक खेल रहा था अकेले अकेले उठ के, और अभी हम लोग जैसे उठे कि चलो भाई बच्चा अकेला उठा हुआ है, तो वैसे ही वो फटाफट से फिर सो गया। तो ये लड़का बड़ा शैतान है, हम सोते हैं तो उठ जाता है और खुद सोता है तो हमें उठना पड़ता। एक नंबर ये अपनी नींद पूरी कर रहा है। ए वैदिक, वैदिक मास्टर, ओए ओए ओए, इस टाइम मतलब ऐसा सोएगा कि इसको कहीं से कहीं उठा के कहीं सुला लो, कुछ कर लो, नहीं उठेगा। और रात में हल्का सा भी जरा सा भी कुछ होगा तो बस करने लग जाता है। चलो फटाफट से चाय छानते हैं। चाय में क्या उबाल आ रहा है। ग्यारह बज गए हैं तो ठीक है, हम लंच और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को जिसको हम ब्रंच बोल देते हैं तो उसकी तैयारी करने में लग रहा हूँ। तो ऐसा कुछ खास स्पेशल कुछ बनाने का हमारा मन है नहीं, क्योंकि सब्जियाँ भी अभी आज लेकर के आनी है तो ठीक है, तो शाम को लेकर के आएंगे, मंडी में चले जाएंगे। पर जब आपके पास कुछ ऐसा नहीं हो तो हम मतलब बचपन से खाते हैं, तो जो हमारी मम्मी वगैरह होती थी तो वो क्या है कि भी प्याज टमाटर मटर वटर डाल करके उसकी एक बहुत बढ़िया चटनी सी बना देती थी। तो आज हमारा वही खाने का मन है, तो हम आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे कैसे वो चीज़ बनती है। जानवर बिल्कुल मशीन के नीचे जाके बैठ जाओ। अच्छा मैं बैठ जाऊं, क्या है, मैं झाड़ू दे रही हूं, बहुत बड़ा है। ऐसा क्या है भाई बताओ यार, इससे डरने लग रही है बेचारी, क्या होगा इसका, ये क्या कर दिया तुमने इसको, मार भी दिया। मैं क्यों मारूंगा, इससे की ये कोई डरने वाली चीज थी, ये तो वैसे ही उल्टा हो रखा है। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि शायद वो खाली ग्राउंड होगा, वो किसी के घर के अंदर चला गया यार। देखो चलो कोई नहीं, अब गया तो गया, क्या कर सकते हैं, हमें लगा खाली है गलती से, सॉरी अंकल जी, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाँ मैं तो सोचा कोई खाली जगह हो गया, भाई गर्मी देख रहे हो कितनी भयंकर गर्मी है। खोलना, हाँ भाई भूख लग गई आपको, वैदिक को लग गई है भूखी भूखी। अल्ले चंदू, ओए चंदू चाय वाले, ओए ओए इतना जोश, इतना जोश मेरे लाडले में, अरे अरे कपड़े छपड़े उतार दिए भाई, चल कोई नहीं मस्ती कर जोश जोश में। भाई मैं अपनी सब्जी को संभालता हूँ, पिंकी ने बढ़िया बड़ी चादर साफ कर दी है, मतलब दोबारा से बिछा दी है, और मैं इतने साइड बाई साइड अपनी सब्जी को संभालता हूँ। नाम से ऐसे ऐसे काम करेगी अब तू, ये क्या करे। तो भाई अभी लग रहे हम खाना खाने हैं, और ये मटर के साथ, और ये जीरे वाड़ा लस्सी। तभी
भाई वो लोगों ने फरमान जारी किया है कि हमारे लिए चाय बनाई जाए, तो अभी मैं बना रहा हूँ चाय। तो मैंने अभी पतीला रख दिया, तो मस्त बड़ी चाय इन लोगों के लिए बनाएंगे, ठीक है ना? तो बनाते हैं फिर आपको बताएंगे कि भी कैसी बनी हमारी चाय। 5:30 बज गए ऐसे निकालते हुए टाइम की, सोले बच्चे मतलब 5:30 बजे जाके जनाब को नींद आ रही है, अब जाके सोच रहा है कि हाँ भाई मुझे सो लेना चाहिए, वो भी गोद में ही सोना है। नीचे लेटा दिया था आराम से कि चल थोड़ी देर सोएगा आराम से, पर नहीं, बकरे की तरह मैं करने लगता है। और अब ऐसे सोया है जैसे बस अभी नीचे लेटाऊंगी ना फिर ऐसी हरकत करेगा। बस गोदी चाहिए, गोदी। बच्चों के साथ तो बहुत मेहनत है, स्ट्रगल भरी लाइफ चल रही है फिलहाल। पापा तो फिर भी सो लेते हैं भाई, पापा ने तो आराम फरमा लिया, नहाए भी नहीं है सुबह से। अब बच्चा सो लेता है आराम से, आप भी कर दो यो। फंस जाती है बेचारी माँ, बच्चों की माँ होती है। बड़ी परेशानी है भाई। चलो फोन बना कर लाए हैं चाय। और ये पिंकी दौड़े में लगी हुई है बर्तन। कितने साफ बर्तन धोती है पिंकी बेचारी, इतने अच्छे बर्तन। ये पापा बेटा बाहर क्या कर रहे हैं? ए बादरी शी, बाहर क्या कर रहे हो भाई? बांदरी बाहर का नजारा ले रही है ना? बांदरी बाहर का नजारा शजारा ले रही है। रोने लग रहा था अंदर बेटा। ए छोटी सी बेटी, ये बाहर ही आके खुश होता है बेचारा थोड़ा सा। अभी इसको थोड़ा दिखाई देता है ना, तो अभी ये खुश है ना। अब आपको बाहर आना अच्छा लगने लग गया, धीरे धीरे से आदत हो जाएगी, लोगों को देखेगा, लाइट हुई, सब चीज़ें हुई। पर अभी थोड़ा थक जाता है ऐसे गोदी वोदी में, पर ठीक है, धीरे धीरे से आदत डालेंगे बाहर की भी, है ना बेबी? अभी गाय उसके दूध वाले भैया आने वाले हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं, फिर जैसे वो आ जाएंगे रोहन नहा भी लेंगे। अभी तक सुबह से ऐसे सड़े घूमेंगे, रोहन घूमेंगे। ओए मेरी बेटी रोने लग गई। फिर हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट जाना है, थोड़ा सामान लाना है, सब्जी वगैरह लानी है, कल के लिए कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद वो करना, क्या कहते हैं उसको, मैं लोगों को देखने लग गई तो मैं खुद ही भूल गई क्या करूँ। मुझे 2 सूट की फिटिंग करवानी है, टाइट है वो काफ़ी, तो गर्मी है पहने जाएंगे और तो क्या है। बाकी बस इतना ही काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर देखते हैं पिज़्ज़ा भी खा लेंगे, हालांकि रोहन मना कर रहे हैं, पर देखते हैं खा सकेंगे तो खा ही लेंगे, क्या पता खा भी लेंगे। बस अभी थोड़ी देर में जाएंगे, दूध वाले भैया आते हैं 7:15 तक, वो आ जाएँ फिर चले जाएंगे। बाकी मेरे काम तो नॉर्मल सारा हो गया, रोहन बस अब नहाएंगे फिर अपना जाएंगे। हम लोग घूम के आते हैं, थोड़ा कपड़े पड़े हैं, काम कुछ नहीं होता है मेरा, सारा दिन दुनिया भर का काम है मेरे पास। इतने सारे कपड़े पड़े हैं तह लगाने को, फिर प्रेस करनी है। तो भाई अभी एक बार हम जाके आ रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान लेकर के आना, थोड़ी सब्जियां लेकर के आना। अंधेरा है, आराम से उतरना, फोन करो। रोहन इधर से गए, उधर से थे और आ इधर से रहे हैं जनाब। अच्छा कोई फ्रूट व्रूट लेने लग गए होंगे उस साइड से, सब्जी ले आया हूँ मैं। सही करा। ये है छोटी सी मार्केट हिसार की, छोटी तो नहीं है, ठीक है। डोमिनोज का पिज्जा खाने है ना? हाँ हम आए हैं पिज्जा खाने, काफी टाइम हो चुका है, 20-25 दिन, एक महीना तो हो गया होगा रोहन। ये है यूज हो जाते हैं, अच्छा। ये हम फर्स्ट टाइम आया है यहाँ तो ना, नया बना है क्या ये है? हम तो पहली बार आए, इसको वैसे ले लो रोहन, घूम के मैं घूमने आयो। मॉल में घूमी कर रहा है मेरा लड्डू आज मॉल में घूमी कर रहा है ये। हाँ बेटू, पेंटालून ठीक है, वैसे काफी कुछ है यहाँ तो। लड्डू काफी सारी चीजें है रोहन दिलवाने को, तो ये पूरा घूमने लायक है वैसा तो। पर ऐसे बिना उसके क्या घूमेंगे, कुछ दिलाना है तो बताओ। हम दिलाना कुछ नहीं, दिलाना कुछ दिलाना है तो बताओ भाई, पिंकी जाएगी।
ये है यहाँ पे बच्चों का सेक्शन, पेंटलून है ना, ठीक है, अच्छा है ना। पिंकी खाने लग रही है तंदूरी पिज्जा और पिंकी ने कमिट किया कि भी दिस इज फाइनल और उसके बाद मैं पेट कम करेगी और उसके बाद ही कभी पिज्जा खाएगी है। ओके पर पिंक प्रेगनेंसी के बाद सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम, सेकंड मम्मी के साथ तो खाया था एक बार, थर्ड टाइम इसके चक्कर में, उसके चक्कर में मुझे भी खाना पड़ रहा है, बेचारा रोहन। तो बस हम लोग आ गए थे अभी अपने घर पे घूम फिर के, सूट का काम तो मेरा हो नहीं पाया, दुकानें बंद हो गई थी, हम थोड़ा लेट हो गए, पर ठीक है कोई नहीं फिर कभी करा लेंगे। तो बस वहाँ से आने के बाद अभी मैंने ये सारी सब्जियाँ धो दी हैं, थोड़ा सा इनका पानी निकल जाएगा तो इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये पुदीना पता नहीं रोहन ने क्यों ही लिया है, पुदीना मेरे तो कुछ खास आता नहीं है यार काम में। ये थोड़ा सा धनिया है, धनिया आजकल मिल नहीं रहा है हिसार में। ये दो जगह दूध उबाल दिया है, एक जगह में टाइम लगता तो ये थोड़ा सा अब ठंडा हो जाएगा, वैदिक दोबारा मांगेगा तो फिर उसका दूध थोड़ा ख़त्म हो गया जी, बस यही बचा है। तो बस हो गया था ये तो सारा काम, रोहन अपना लैपटॉप लेके बैठ गए, थोड़ा काम था इनको। और ये हमारे छोटे नवाब क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है वैदिक, लात मार रहा है ये ऐसी चटर पटर, दूध पी के लेट है मज़े से, अब खेलेगा थोड़ी देर, फिर 9:30 बज गए, थोड़ी देर खेलेगा फिर अपना 11:30 तक तो मैक्सिमम सो ही जाएगा, थोड़ी देर तो सो ही जाता। चलो तो ब्लॉग भी यहीं ख़त्म कर लेते हैं फिलहाल के लिए, बाकी अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे थोड़ा भी लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, व्यूज़ तो आ जाते हैं, लाइक उसमें बढ़ते नहीं है, या तो लोग भूल जाते होंगे या फिर किसी को पसंद नहीं आता है, पर ठीक है जो भी है जैसा भी है जो भी है जैसा भी है ठीक है, आप लोगों को जो ठीक लगे करो, ठीक है रोहन बाय बाय। चलो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।